हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने अभी तक आप लोगों को दो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, नाउन और प्रोनाउन। कल प्रोनाउन कराया था जो कंप्लीट हो गया। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, वर्ब यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप। तो पहले हम डेफिनेशन ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब की परिभाषा क्या होती है। तो द वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। इसको हिंदी में कहेंगे सार्थक शब्द या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य का होना या करना स्पष्ट होता है, वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि हम जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे कि हंसना, बोलना, खाना पीना, लेटना, ये सब हमारी वर्ब होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं लाफिंग, ईट्स, रीड, वीपिंग, यानी कि हंसना, खाना, पढ़ना, रोना आदि। ये तो हो गए क्रिया के एग्जाम्पल। तो क्रिया के रूप कितने होते हैं बताते हैं। क्रिया के तीन रूप होते हैं। तो जो फर्स्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में लगाते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस में लगाते हैं यानी कि भूतकाल, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं। जैसे कि आई राइट यानी कि मैं लिखता हूँ, आई रोट मैंने लिखा, आई हैव रिटन मैं लिख चुका हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करवाया वर्ब, तो उसका कुछ पार्ट्स मैंने आज आप लोगों को बताया, और आगे का पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो।